हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मूमल की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के का सजा, जो विंटर सीजन में बहुत अच्छा लगता है। और विंटर सीजन में ही बनता है, गर्मियों में ये भी अच्छा नहीं लगता। तो सजा बनाने के लिए मैंने यहाँ मक्के का आटा लिया है, और एक हरी मिर्ची और दो बड़े प्याज काट लिए मैंने। यहाँ जीरा ले लिया है मैंने, हल्दी, काला नमक और पापड़ खार और लाल मिर्च को मैंने दरदरा कूट लिया था। तो ये सामान मैं पानी में डालूंगी। तो पानी मेरा बॉईल हो चुका है। तो ये देखिए, पानी मेरा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा। जीरा आप अपनी मर्जी से के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये रेड चिली फ्लेक्स, और ये थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ज्यादा नहीं डालनी है। और ये आधी चम्मच काला नमक। और ये एक चम्मच पापड़ खार, कई फूल सोडा बोलते हैं इसको। और मैं डालूंगी प्याज और हरी मिर्ची। अब इन सब सबको बॉईल होने के बाद मैं आटा डालूंगी, और एक चम्मच तिल्ली का तेल। तिल का तेल डालने से सजा खुला खुला बनेगा। अब मैं इसमें थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाऊंगी। तो ये देखिए, 10 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगाया था और पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी मक्के का आटा। थोड़ा थोड़ा करके इसे आटा डालना है।
कई कई गुठलियां रह भी जाए ऐसे तोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा आटा और डालेंगे, लगभग ये पूरा आटा इसमें काम में आ गया। जब तक पतला रहे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आटा डाल देते हैं, फिर ये ऐसे टाइट हो जाए तब। इसके पापड़ भी बनते हैं। गांव में तो कंडे जला के बनाते हैं, वो तो और टेस्टी लगता है चूल्हे पे, वो धीमे धीमे आंच पे पकता रहता है, वो और भी टेस्टी बनता है। अब इसको गीले हाथों से ऐसे करना है, ठंडे पानी में हाथ डाल के फिर ऐसे करना है। और एक सॉफ्ट मलमल का कपड़ा लेके उसको पानी में भिगो के और इसके ऊपर ढक देना है। ऐसे चारों तरफ से अच्छे से कवर करके ऐसे पानी का छींटा देके फिर ढक्कन लगा देना, फिर 10 मिनट तक बिल्कुल गैस कम करके छोड़ देना, 10 मिनट बाद चेक करना है इसको।